अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल है। उम्मीद है तुसां सारे दोस्त खैर वाफियत दे नाल हो। सो मैं मोहम्मद वकास तुसां देदे पए यूट्यूब चैनल किसान पॉइंट। काफ़ी सारे दिहाड़ियां तो बाद अज असां ये वीडियो बनांदे पए आं ते कुछ मसरूफियात दी वजह तो पहले असां गैर हाजिर रहे आं, वीडियो ना बना सके ते अज एक नवी वीडियो दे नाल थोड़ी खिदमत च हाजिर हाँ। अज की सारी वीडियो साडे उन्हां दोस्तां वास्ते जिन्हां दोस्तां मूंगफली की फसल काश्त की आई है। अज की इस वीडियो दे विच मूंगफली की फसल दे विच एक सुंडी का अटैक है जिहड़ा कि काफ़ी सारे इलाकों दे विच देखण नूं आया है। हर साल ये सुंडी मूंगफली की फसल दे उत्ते हमलावर थींदी है। अज असां उस सुंडी दे बारे थोड़ी जी गल करसां, उस सुंडी नूं कियें कंट्रोल करना है, उसनूं कंट्रोल करन वास्ते जिहड़े जिहड़े ज़हर इस्तेमाल थींदे ने उन्हां दे बारे गल करसां। तो वीडियो अगर तुहानूं अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करो। अगर सारे चैनल पर तुम पहली दफ़ा आए हो तो सारे चैनल जरूर सबसक्राइब करो ताकि ज़रात तो मुतालिक सरेकी जबान दे मजीद वीडियो देखने वास्ते मिल सकन, नाल बैल आइकान प्रेस करे सो ताकि मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक बर वक्त पहुँचता रहे। शुरू करीने आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर तुसा मूंगफली की फसल काश्त की आई है तो तुसा अपने फसल का मुआयना किया है या हाले तक तुसा अपनी फसल का मुआयना नहीं किया तो तुसा बर वक्त अपनी फसल का मुआयना करो। थोड़ी फसल दे विच इस तरह की सुंडी जिस तरह की स्क्रीन उत्ते शो थींदी, अगर थोड़ी मूंगफली की फसल दे विच इस तरह की सुंडी बहुत ज़्यादा तादाद दे विच मौजूद है तो इस सुंडी नूं तुसा हर सूरत विच कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है? अगर तादाद कम हो सी तो फिर तो कोई मसला को नहीं। ये सुंडी सावन के मौसम दे मूंगफली की फसल उत्ते बहुत ज़्यादा हमलावर थींदी है। अगर थोड़ी फसल दे विच ये सुंडी बहुत ज़्यादा तादाद दे विच मौजूद है तो इस सुंडी नूं कंट्रोल करन वास्ते तुसां हर सूरत विच स्प्रे करना है। अच्छा, इस सुंडी की वजह तो नुकसान केड़ा थींदा है? बुनियादी तौर पर देखण नूं ये आए कि इस टाइम सावन के मौसम दे विच मूंगफली की फ्रूटिंग स्टार्ट होंदी है तो पौधे की जिहड़ी रेजिटेटिव ग्रोथ है वह स्लो थी वेंदी है। पौधे का जिहड़ा पौधे की जिहड़ी तवज्जो है वह फ्रूटिंग फ्लावरिंग ते फ्रूटिंग वाली साइड ते हुंदी है। मतलब कि थोड़ी मूंगफली की फसल दे विच थोड़ा फुल ज़्यादा लगता पे हुंदा है या थोड़ा जिहड़ा मूंगफली का फ्रूट है उसकी भराई शुरू थी वेंदी है। जिस टाइम थोड़ी फ्रूट की भराई थींदी पई हुंदी है या थोड़े पौद्यां दे विच फुल ज़्यादा लगता पे हुंदा है उस टाइम थोड़े पौधे की जिहड़ी टिलरिंग है मतलब झाड़ बनना स्लो थी वेंदे, पौधे की ग्रोथ रुक वेंदी है, पौधा वाधा नहीं करींदा आम जबान विच अगर गल करां तां। अच्छा, जिस टाइम इस सुंडी का अटैक थींदा है तो सुंडी के अटैक तो बाद सुंडी पत्तियां नूं खांदी है। इस टाइम मूंगफली के पत्तियां नूं ये सुंडी खांदी है, मूंगफली के पत्तियां दे विच खुराक बनने का जिहड़ा अमल है वह बुरी तरह मुतासर थी वेंदा है। जिस टाइम खुराक बनने का अमल बुरी तरह मुतासर थींदा है तो ऐटोमैटिक थोड़े पौधे दे विच फ्लावरिंग ते फ्रूटिंग बहुत कम थींदी है। जिस टाइम थोड़े पौधे दे विच फ्लावरिंग ते फ्रूटिंग कम थी सी तो ऐटोमैटिक थोड़े थोड़ी पैदावार जिहड़ी वह भी कम थी वे सी। तो दोस्तों ये जिहड़ा फ्रूटिंग दोस्तों ये फ्लावरिंग ते फ्रूटिंग वाला जिहड़ा अमल है ये कम अज़ कम 40 से 50 दिन का होंगे। अगर 40 से 50 दिन दे विच थोड़ी फसल दे विच इस बालदार सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक थी वेंदा है तो ये थोड़े पौद्यां नूं मुकम्मल तौर पर खा वेंदी है। ठीक है, जिस तरह स्क्रीन ते थोड़े सामने शो थींदा पे तो फिर थोड़ी पैदावार डेफिनेटली कम आसी। मूंगफली की पैदावार बुरी तरह इस सुंडी की वजह तो मुतासर थींदी है। साडे काफ़ी सारे फार्मर दोस्त इस सुंडी नूं नुकसानदेह नहीं समझींदे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक जिस टाइम थोड़ी फ्लावरिंग ते फ्रूटिंग थींदी पई होवे उस टाइम थोड़े पौधे उत्ते सुंडी का ज़्यादा अटैक थी सी तो ऐटोमैटिक इस सुंडी की वजह तो खुराक बनाने का अमल भी मुतासर थी सी ते नाल दे नाल पौधा मजीद टिलरिंग स्टार्ट कर दे सी। मतलब पौधे का जिहड़ा रुझान हो सी फ्रूटिंग ते फ्लावरिंग वाले पासे उसकी जगह ते पौधे की ग्रोथ थीवन लग पई सी। जिस टाइम पौधे की ग्रोथ ज़्यादा थी सी तो ऐटोमैटिक पौधे का जिहड़ा फ्रूट है या फ्लावरिंग है फुलां दा अमल है वह ऐटोमैटिक बंद थी वे सी। आम जबान दे विच इह तुहानूं चीज़ मैं समझांदा पिया। अच्छा, हुण गल करसां कि इस चीज़ नूं कंट्रोल करन वास्ते किहड़े किहड़े ज़हर इस्तेमाल थींदे ने। तो दोस्तों हमेशा की तरह स्क्रीन उत्ते तुहाडे सामने ज़हर शो थींदे पैन कि आम तौर पर ॾिठा वेंदा कि अगर असां ज़हर दसैने तो बस दोस्त ऐसे होंगे जिन्हों याद नहीं रह सकते या उस चीज़ में महफूज नहीं कर सकते।
तो स्क्रीन पर इजहार शो करन दा बुनियादी मकसद साडा ये हुंदा है कि साडे ओ दोस्त जिहड़े आम तौर पर इजहार दा नाम याद नहीं रख सकते या ओ इस चीज़ नूं महफूज नहीं कर सकते तो वह कम अज़ कम शार्ट स्क्रीन गिन के ते ए मतलूबा इजहार अपने करीबी डीलर तू गिन सकते हैं। तो इन इजहारां दे नाम स्क्रीन ते तुहाडे सामने शो थींदे पैन जिन्हां दोस्तां दी मूंगफली दी फसल दे इस सुंडी दा बहुत ज़्यादा अटैक है तो वह मतलूबा जहर मतलूबा मकदार दे नाल फी एकड़ उत्ते स्प्रे कर गिन सन। उम्मीद करीने तुहाने वीडियो अच्छी लगी होसी। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखण वास्ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकान नूं प्रेस करो ताकि मजीद वीडियोज़ दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हुण एक नवी वीडियो दे नाल। अल्लाह हाफिज़।